अगली बड़ी खबर गोरिल्ला से है, जहां पर गोरिल्ला पिंडरा मरवाही के परासी गांव का ये मामला सामने आया है, जहां मरवाही में हाथियों का आतंक जारी है। बता दें कि हाथियों के दल ने महिला और बच्चे पर जानलेवा हमला किया। हाथियों ने महिला को पटक कर घायल कर दिया, जिसके बाद घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। 6 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और मासूम का इलाज जारी है। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की गोरिल्ला से, जहां पर बता दें कि मरवाही में हाथियों का आतंक जारी है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मरवाही से मामला सामने आया है जहां पर हाथियों का आतंक देखने को मिला, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई है तो वहीं पर मासूम गंभीर रूप से घायल है। पूरी जानकारी क्या है? जी अनुपमा जी, मैं बताना चाहूंगा ये संपूर्ण घटना आज सुबह 6 से 7 बजे की है, परासी गांव की, जहां हाथियों का दो दल काफी समय से हमारे गोरिल्ला पिंडरा मरवाही क्षेत्र में विचरण कर रहा है और आज से 3-4 दिन पहले एक लड़की की भी इसी प्रकार से हाथियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। और आज सुबह यही घटना फिर से दोहराने देखने को मिली कि एक महिला जो कि 40 वर्ष की थी और उनके साथ उनका नाती 6 वर्ष का, जो कि ग्राम परासी की घटना है और जो अब गांव में घूमने के लिए 6 बजे अपने घर से बाहर निकले हुए थे और उसी समय हाथियों का दो दल उनके ऊपर आक्रमण किया और उसी समय तत्काल मौके पर ही उसकी मौत हो गई महिला की, और जो बालक है वो गंभीर रूप से अस्वस्थ है, जिसको मरवाही के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है और वहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है मैडम। जबकि इस प्रकार की घटनाएं हमारे जिले में लगातार होती चली जा रही है, परंतु शासन प्रशासन मौन बैठा हुआ, वन विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि मेरे द्वारा स्वयं कल रात में सूचित किया गया था लोगों को सतर्क रहने के लिए, परंतु वन अमला अभी तक शांत और मौन बैठा हुआ, इसकी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, ऐसे में सवाल भी उठते हैं क्योंकि एक महिला की मौत हो गई है तो वहीं पर एक मासूम गंभीर रूप से घायल है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिले में तमाम ऐसे कई सारी घटनाएं भी सामने आ चुकी है, तो ऐसे में वन विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रहा है? जी मैडम जी, मैं बताना चाहूंगा, जबकि वन अमले के जो बीट कर्मचारी हैं, जो बीट गार्ड हैं, वो अभी हड़ताल पर चल रहे हैं और हड़ताल पर हैं और मैंने रेंजर से फोन के माध्यम से संपर्क करना चाहा, परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया, ना ही एसडीओ साहब ने फोन उठाया जी। और जिसके कारण वन अमले के ऊपर, वन विभाग के आला अधिकारियों के ऊपर उंगली उठना सुनिश्चित है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं गोरिल्ला पिंडरा मरवाही के परासी गांव से, जहां पर मरवाही में हाथियों का आतंक देखने को मिला। बता दें कि हाथियों के दल ने महिला और बच्चे पर जानलेवा हमला किया, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई है। तो वहीं पर इस दौरान जिला प्रशासन और उसके साथ वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तमाम शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई भी कार्रवाई या एक्शन नहीं लिया जा रहा है।